दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 2 मई दिन सोमवार को वैशाख माह का सोमवार है। पूजनीय पंडित जी की कथा से सुनकर ही मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में यदि आर्थिक समस्या है, आर्थिक तंगी है, पैसों से जुड़ी यदि कोई समस्या है, धन आता है मगर टिक नहीं पाता है, अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में आपके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपको ज़रूर ही फ़ायदा देगा। आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा और सरल सा उपाय है। पूजनीय पंडित जी ने बताया है कि सोमवार के दिन से यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। 2 सोमवार आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, बेलपत्र। जी, आपको ना बेलपत्र के पेड़ के नीचे यह उपाय करना है। बेलपत्र का पेड़ यदि आपके पास बड़ा हो, आपको कहीं बड़ा मिल जाए तो आप वहाँ कर ले अनावश्यक। आप अपने घर में अगर आपने बेल का वृक्ष लगाया है, छोटा है वह, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। आपको क्या करना है, आप किसी ब्राह्मण के बालक को, जी बच्चे को आप बुलाएं अपने घर में और उन्हें खीर, आप उन्हें खीर खिलाएं। इससे क्या होगा कि आपके घर में बरकत बढ़ेगी, धन के रास्ते खुलेंगे और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और आप यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें कि सोमवार के दिन से आप एक उपाय शुरू कर दें। वैशाख के महीने से, वैशाख का ये सोमवार से आप इस उपाय को शुरू करें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय 6 बजे से 8 बजे के बीच शाम के समय आप घी का दिया जलाना शुरू कर दें, क्योंकि जो माता सती हैं उन्हें लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। यदि माँ सती प्रसन्न होंगी तो माँ लक्ष्मी भी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। तो आप क्या करें कि एक घी का लंबी बाती का आप दीपक जलाएं और माता से मनोकामना करें, प्रार्थना करें कि वह आपके घर में स्थायी रूप से वास करें और आपके घर में धन धान की जो कमी है उसे पूर्ण करें और स्थायी रूप से आपके घर में वास कर आपके साथ हमेशा रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।